नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए नए साल की शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर के साथ हुई, जब टीम के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा के साथ सगाई का ऐलान करके सबको चौंका दिया। बस फिर क्या था, लोग इस जोड़ी को बधाई देने लगे। खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट फैंस तक सभी हार्दिक को उनकी सगाई की बधाई देने लगे। कप्तान कोहली भाई कृणाल ने भी हार्दिक को बधाई दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब नताशा स्टैनकोविच के पूर्व बॉयफ्रेंड ने भी दोनों की सगाई पर टिप्पणी की है। एली गोनी ने हार्दिक और नताशा के रिश्ते पर खुशी जताते हुए एक इंटरव्यू में कहा, मैं नताशा के लिए बहुत खुश हूँ। मैं दोनों को एक साथ देखना पसंद करता हूँ। दोनों साथ में काफी प्यारे लगते हैं। मुझे खुशी है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एली गोनी खुद भी एक टीवी एक्टर है जिन्होंने कई शोज में काम किया है। उन्हें यह है मोहब्बतें शो में भी काफी पसंद किया गया है। एली गोनी ने हालांकि हार्दिक और नताशा की अचानक सगाई की खबर पर हैरानी भी जताई। नताशा और एली गोनी साल 2014 से लेकर 2015 के बीच करीब एक साल तक रिश्ते में थे, मगर इसके बाद दोनों ने व्यक्तिगत कारणों से अलग होने का फैसला किया। हालांकि टीवी डांस शो नच बलिए में इन दोनों की जुगलबंदी को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस शो के 9वें सीजन में उन्होंने एक टीम के तौर पर काम किया था, तब दोनों अच्छे दोस्त थे। तो तमाम फैंस के साथ साथ अब नताशा के पूर्व बॉयफ्रेंड की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और एली गोनी ने भी दोनों को बधाई दी। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ने जब 2020 के पहले दिन सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीर शेयर की थी, तब ये खबर आग की तरह फैल गई थी। इस खास मौके पर पांड्या अपने करीबियों के साथ थे और नताशा को समुन्दर के बीच एक क्रूज पर शानदार तरह से प्रपोज किया। अगर आपने इन दोनों की सगाई की ये वीडियो नहीं देखी तो देखिए हार्दिक की सगाई की ये शानदार वीडियो।